उन्होंने गमे गुस्से का इजहार किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी उसके ऊपर अपने तहफ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया, लेकिन कानपुर की गवर्नर ने उनकी किसी भी बात को मद्देनज़र नहीं रखा और नतीजतन कानपुर की मस्जिद का सानहा जो है वो पेश आया, जिसके ऊपर फिर मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार किया। नंबर 4, त्राबलस मौजूदा लीबिया पर इटली ने हमला करके कब्ज़ा कर लिया। अब अज़ीज़ तालबात, आपको मैं ये भी समझाती चलूँ कि त्राबलस क्या है और इटली ने कैसे इसके ऊपर हमला किया। आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों की आखिरी एक मुत्तहिदा हकूमत जो थी वो उस सल्तनत उस्मानिया थी, जिसे हम खिलाफत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। खिलाफत उस्मानिया ना सिर्फ एशिया के अंदर बल्कि यूरोप और अफ्रीका तीन बर्रे आज़मों के ऊपर कायम थी, और खिलाफत उस्मानिया, जिसे हम सल्तनत उस्मानिया और ओटमन अम्पायर कहते हैं, ये बहुत वसी इलाके पर कायम थी। तो मशरकी यूरोप के जनूब मशरकी हिस्से पर भी इनकी हुकूमत कायम थी। त्राबलस अब जो लीबिया का मुल्क है उसका दारुल खिलाफा है। उस वक्त इटली ने इसके ऊपर हमला करके कब्ज़ा कर लिया था। इसको कहा जाता है कि तुर्की और इटली के माबैन जंग, और ये तुर्की और इटली के माबैन जंग जो है ये शुरू हुई थी 29 सितंबर 1911 से और 18 अक्टूबर 1912 तक जारी रही, और इसका नतीजा ये निकला था कि इटली ने तुर्की से ये हिस्से छीन लिए थे और इसके ऊपर इटली का कब्ज़ा कायम हो गया था। इस वाक़े ने भी बर्रे सगीर के मुसलमानों पर बहुत बुरे असरात मरतब किए और मुसलमानों ने बहुत तकलीफ़ महसूस की कि उनकी इस्लामी सल्तनत से कुछ इलाके इटली ने कब्ज़ा करके हासिल कर लिए। नंबर 5, बलकान रियासतों में तुर्की के खिलाफ बगावतें हुईं। अंग्रेज़ों ने बागियों का साथ दिया तो बर्रे सगीर के मुसलमानों को बहुत दुख हुआ। अब इस पॉइंट में आपके लिए समझने की बात है बलकान रियासतें, कि बलकान कौन सी रियासतें हैं और बलकान से क्या मुराद ली जाती है। अभी मैंने आपको पिछला पॉइंट की वजाहत में ये बताया कि सल्तनत उस्मानिया की हकूमत तीन बर्रे आज़मों पर थी, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, और यूरोप का जो हिस्सा सल्तनत उस्मानिया के दायरे इख्तियार में आता था वो जनूब मशरकी हिस्सा है, और जनूब मशरकी हिस्से को बलकान रियासतों